बांटते रहे जिंदगी तो बिछड़ जाए किसी भी बांटते रहे जिंदगी तो बिछड़ जाए किसी भी बड़ा मुश्किल है तसलसल में नसीहा रहना वाह आला मैं सबसे पहले अपने आप के ऊपर फखर करता हूँ कि मैं एक नर्स हूँ मुझे अपने आप पे फखर है क्योंकि नर्स होना मेरे लिए और आपके लिए फखर की बात है आज जो हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हमारी फाउंडर लेडी ऑफ लैम्प जिन्होंने बहुत सारी वॉर में और बहुत सारे मुश्किलात में इंजर्ड पेशेंट्स को जख्मी पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड की वो है मैडम फ्लोरेंस नाइटिंगेल मुख्तलिफ जावियों से अगर देखा जाए तो मैडम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की खिदमात को कभी फरमोश नहीं किया जा सकता और इसीलिए खाली नर्सिस ही नहीं जिस तरह के बाबर भाई ने बताया खाली नर्सिस ही नहीं बहुत सारे और भी मेडिकल्स शोभा जात हैं जिसमें मैडम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद रखा जाता है इनमें स्पेशली यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ का इदारा है जिन्होंने कंबाइन बैठकर मिलकर मैडम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नोबेल प्राइज दिया नर्सिस के हवाले से दूसरा अगर हम इस्लामिक व्यू से देखें तो मेरे साथ आज मेरे साथ मेरे दोस्त मेरे टीचर्स क्योंकि दुनिया में दो बड़े मजहब हैं एक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और दुनिया का कोई भी मजहब जो है वो वार की इजाज़त नहीं देता बल्कि इंसानियत की खिदमत की इजाज़त देता है इंसानियत की खिदमत का कर्ज देता है तो इसमें एक फेमस लेडी हजरत रुफैला गज़वाए उहुद में और बदर में सिख पीपल की खिदमत की इंजर्ड पेशेंट्स की खिदमत की और उनको उनकी तीमारदारी की